जेल से आने के बाद आपने जो हेल्थ सिचुएशन का असेसमेंट किया है उसको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक एज द इमेसिएटेड ओवरबर्डन ओवर स्ट्रेच इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम विच इज ऑलरेडी यू नो इन शैम्बल्स टू द कोर बिकॉज ऑफ क्रोनिक अंडरफंडिंग एंड निग्लिजेंस is trying to you know combat COVID-19. Perhaps the highest cost is borne by the non-COVID patient. OPDs, non-emergency surgery have been stopped. The all resources are diverted to you know combat COVID-19. आपको जान के हैरानी होगी कि आज जब 2 अक्टूबर को हम ये बातें कर रहे हैं तो ऑलरेडी 100,000 लोग COVID-19 से मरे हैं पर एवरी डे 28,000 पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ नॉन कोविड रीजन जो है कार्डियक अरेस्ट है क्रोनिक रीनल डिजीजेज हैं कार्सिनोमा है डायरिया मलेरिया के अलावा जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है डिलीवरीज हैं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो ये सारे चीज़ों को निगलेक्ट किया जा रहा है और सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कोविड में गए तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है। दूसरा आप जिसे रूरल एरिया में आप ट्रेवल करते रहते हैं वहाँ हेल्थ सिचुएशन का क्या हाल है? आई ऑलवेज टॉक अबाउट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर विच इज़ द बैक बोन ऑफ एनी हेल्थ सिस्टम इन द सोसाइटी जो कि गरीब का ग्रामीण का पहला कॉन्टेक्ट होता है किसी भी डॉक्टर से वो वहाँ पे कोई भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले ही से ही नहीं था 72% ऑफ रूरल पॉपुलेशन डोंट हैव एसेस तो जो है वो अब वाइट एलिफेंट की तरह हो गया है और ओवर स्ट्रेच्ड हो गया है तो हमें लगता है इस ऑलरेडी एक्सप्लोडेड। व्हाट इज द इमीडिएट नीड ऑफ द आवर टू इम्प्रूव दिस हेल्थ सिचुएशन? आई थिंक वी नीड टू mobilize more funds that is more important need to create more infrastructure more ICUs more doctors should be trained paramedical ayush doctors should be more jobs should be created to ek to hum level pe baat karenge infrastructure ko mazboot kare zyada intensive care unit bane doctors ko train kiya jaye jo hai कैसे रिसोर्स को डिवाइड करना है कि कोविड को भी देखना है नॉन कोविड रीजंस को भी टैकल करना है और मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट और ऑक्सीजन इस वक्त जो है जिस तरह से एक आ रहा है कि महंगी होती जा रही है उस सबको जो है का क्रिएट करना है फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशन है WHO है या फिर कोई भी NGOs हैं उनसे टेम्प्रेरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद मांगनी है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है इस ब्रोकन हेल्थ सिस्टम का? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है मुझे लगता है कि हेल्थ फॉर ऑल जो हम लोग जो है ये कैंपेन चलाए हुए थे पिछले 2 साल से अब पोस्ट कोविड पैंडेमिक के बाद इसे रीऑर्गेनाइज करेंगे हम और हमें लगता है राइट टू हेल्थ केयर इज अ नीड ऑफ आवर एंड वी शुड लेजिस्लेट थ्रू आवर लोकसभा एंड राज्यसभा मेक इट एज अ लॉ कि एक भी जो इंडिविजुअल जो गरीब है उसे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रीजन रिलीजन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डिसेबिलिटीज एंड जेंडर बायस के उसे वो मिले तो हम इस ऑन दिस गांधी जयंती वी वांट टू स्टार्ट दिस हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन फॉर द होल मंथ पूरे महीने ये होल चलेगा एंड वी वांट एवरी हेल्थ एवरी पर्सन हु हैज वर्क इन द हेल्थ फील्ड वेदर इट्स डॉक्टर्स आयुष डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स और एनीवन हु हैज नॉलेज इन द फील्ड हेल्थ एक्टिविस्ट एवरीबडी कैन गिव अ इनपुट एंड वी विल लॉन्च दिस रीलॉन्च दिस हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन। थैंक यू।